सकता है हरियाणा का राजनीतिक परिवार, संगठन में आ सकती है दरार। इनेलो से एक और क्षेत्रीय दल पनपने की उम्मीद, क्या फूट के बाद बसपा इनेलो का देगी साथ? नमस्कार, नेशन वन के बिग न्यूज में आपका स्वागत है। चुनावी सरगर्मियां पूरे देश में तेज हो गई हैं। दिल्ली एनसीआर की नाक के नीचे बसे छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण प्रदेश हरियाणा में चुनाव से पहले प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्रीय दल इनेलो में वर्चस्व की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। कुछ समय पहले ये लड़ाई चार दीवारी के भीतर थी, लेकिन 7 अक्टूबर की रैली के बाद अब समीकरण कुछ और है। आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सत्ता के संघर्ष में भाई और पुत्र के बीच फंसे मुलायम सिंह यादव के परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा हम सभी ने देखा था। अब लगता है हरियाणा के एकमात्र क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी ऐसे ही पारिवारिक जंग के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसकी बानगी 7 अक्टूबर को हुई गोहाना रैली में देखने को मिली, जहां अपने पूरे जीवन काल में इनेलो सुप्रीमो पहली बार बेबस और लाचार नजर आए। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हरियाणा के गोहाना में जननायक ताऊ देवीलाल के सम्मान में हुई रैली में चौटाला परिवार की आंतरिक कलह खुलकर सामने दिखाई दी। चाचा भतीजे के मनमुटाव की खबरें इससे पहले भी छनकर बाहर आ रही थी, लेकिन सार्वजनिक मंच पर इस तरह का माहौल इस परिवार में पहले देखने को नहीं मिला था। इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जब जनता को संबोधित करते थे तो कहा जाता था कि सुई के गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। ये पहली बार हुआ कि अपने पूरे संबोधन के दौरान पूर्व सीएम चौटाला बार बार शांति की अपील करते रहे, लेकिन श्रोताओं पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। गोहाना रैली की खास बात ये रही कि पूरी रैली में लगातार दुष्यंत चौटाला के समर्थन में नारेबाजी होती रही, और यही कारण था कि अपने चेहरे पर गुस्से और झल्लाहट के भाव भी जनता से अभय नहीं छिपा सके। वहीं रैली में कई ऐसे प्रसंग हुए जिन पर अभय चौटाला अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। वैसे भी अभय चौटाला को उन नेताओं में नहीं माना जाता जिन्हें अपनी भावनाओं को छुपाने या काबू करने का हुनर आता हो। इससे पहले भी कई बार अपने गुस्से के चलते वे विरोधियों के निशाने पर रह चुके हैं। अब ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इनेलो में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि पार्टी टूट की कगार पर पहुंच जाएगी। 2019 के चुनावों में सत्ता में वापसी का सपना संजोए बैठी इनेलो के हाथ ये मौका लगता है रेत की तरह फिसल जाएगा। गोहाना रैली के बाद पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के तेवर देखकर राजनीतिक हलकों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी सुप्रीमो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और हुआ भी कुछ यूं ही। इनेलो में लगातार उठ रही राजनीतिक सुगबुगाहट और उठापटक के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो की यूथ विंग की इकाई और इंसो को भंग कर दिया है। राजनीतिक हलकों में हुई संभावनाओं के बीच ओम प्रकाश चौटाला इस तरह का सख्त कदम अपने पोते के खिलाफ उठाएंगे ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की। चौटाला के इतने सख्त रवैये ने दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत को सख्ते में डाल दिया है, जो इतना प्रत्याशित था कि जिसकी तैयारी भी दुष्यंत चौटाला ने नहीं की होगी। हरियाणा की वर्तमान राजनीति के धुआंधार और माहिर खिलाड़ी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा जल्दबाजी में उठाए गए ये कदम इनेलो के लिए आत्मघाती भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला में हरियाणा की जनता स्वर्गीय जननायक ताऊ देवीलाल का अक्ष देखती है, जिसके नाम के सहारे खुद ओम प्रकाश 6 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। बड़े चौटाला ने एक तरह से अभय चौटाला को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, और इसके पीछे तर्क दिया है कि उनके और अजय चौटाला की गैर मौजूदगी में जिस तरह अभय ने संगठन को संभाला और मजबूत किया, जिसके चलते उन्होंने ये निर्णय लिया। बड़े भाई और पिता को भी 10 वर्ष की सजा के बाद अब लगने लगा था कि इनेलो का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन परीक्षा की इस घड़ी में अभय चौटाला ने न केवल परिवार को संभाला बल्कि पार्टी संगठन को भी बिखरने से बचाया। वहीं बसपा से हुए गठबंधन को भी उनकी राजनीतिक कुशलता के तौर पर देखा जा रहा है। चंडीगढ़ हरियाणा से जगजीत शर्मा की रिपोर्ट। और इस खबर पर हमारे साथ हरियाणा से स्थानीय संपादक जगजीत शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। जगजीत, आपसे जानना चाहेंगे इनेलो में फिलहाल क्या चल रहा है? इनेलो में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है?
देखिए हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी पार्टी है ये क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन इसको जो अंकुरित किए गई पार्टी है स्वर्गीय चौधरी देवीलाल परिवार की पार्टी है, जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, किसानों के कमीरे वर्ग के हितैषी रहे हैं, बड़ा मान सम्मान उनका रहा, उनके सुपुत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनके राजनीतिक वारिस रहे, 6 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे जी जी। लेकिन घटनाक्रम में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला को जेवीटी भर्ती प्रकरण कांड में अदालत द्वारा 10 वर्ष की सजा सुना दी गई और वो 10 वर्ष की सजा काटने के लिए उनको जेल जाना पड़ा जी। अभी, अभी इस वक्त जो है, इस वक्त क्या स्थिति है इनेलो की, इस पर थोड़ा सा बस आप हमें बताएं। मैं आपको बता रहा हूँ लेडी की, अभी 7 अक्टूबर को हरियाणा में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जयंती के उपलक्ष्य में गोहाना में रैली की गई इनेलो द्वारा। उस रैली में यूथ विंग ने दुष्यंत चौटाला भावी सीएम के नारे लगाए, जो कि पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी पैरोल पे आए हुए थे, वो रैली में उपस्थित थे। उनको और अभय चौटाला को उन यूथ द्वारा लगाए गए इस प्रकार के नारे अनुशासनहीनता के तौर पर उन्होंने देखा और रैली के तुरंत बाद दूसरे दिन बैठक करके पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया। हमने अपनी भावनाएं अपनी बात आपसे जानना चाहेंगे, यदि वो इनेलो से अलग होकर के दुष्यंत चौटाला अलग होते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ये बड़ी सतसी बात है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई भी लड़ाई अगर सड़कों पे आती है तो दूसरे राजनीतिक दलों को भी उसका फायदा मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर पार्टी टूटे या परिवार टूटे नुकसान तो दोनों तरफ से ही होता है, लेकिन इतना तय है कि पार्टी इनेलो जो बसपा के साथ गठबंधन में है फिलहाल, वो सत्ता में हरियाणा के राज में आने का जो सपना संजय बैठी है कहीं ना कहीं उसमें बिखराव आ जाएगा। इनेलो में जो ये फूट का फायदा है ये किस राजनीतिक दल को मिल सकता है? अभी आपने बसपा की बात कही थी तो क्या बसपा इनेलो का साथ देगी? देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो बसपा सुप्रीमो नेता है मायावती जी, वो बहुत महत्वाकांक्षी नेता के रूप में जानी और पहचानी जाती हैं। जब घर परिवार की और पार्टी की लड़ाई सड़कों पर आ जाएगी तो मुझे नहीं लगता वो किसी प्रकार का कोई रिस्क लेंगे। और बहुत जल्दी अभी पिछले हफ्ते भी उन्होंने हरियाणा के अपने प्रदेश इकाई के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर बैठक की, मुझे नहीं लगता कि वो इनेलो के साथ आगे चल पाएंगी और बहुत जल्दी वो कोई और ऐसे प्रकार का फैसला ले सकती हैं कि इनेलो से अपना संबंध, वो राजनीतिक जो संबंध है उनसे वो अलग हो सकती है। और रही बात की किस पार्टी को फायदा मिलेगा, देखिए किसी भी प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय दलों में अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग जात का भी, बरादरी का भी बड़ा असर होता है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी इसका फायदा मिलेगा हरियाणा में और कांग्रेस को भी फायदा मिलने की पूरी संभावना। लेकिन अभी भविष्य के गर्भ में है कि कूट किस तरह बैठता है, इसके लिए भी थोड़ा समय इंतजार करना। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखा आपने वर्चस्व की लड़ाई किस तरह सड़कों पर आ गई है, और ये भी देखा आपने कि हरियाणा की राजनीति में फिलहाल समीकरण दिन ब दिन बदल रहे हैं, क्योंकि इनेलो की लड़ाई का असर अन्य पार्टियों में भी देखने को मिलेगा। अब सबकी निगाह दुष्यंत चौटाला के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि वही तय करेंगे कि उनका राजनीतिक भविष्य चुनाव में क्या होगा। मेरे साथ बिग न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।